अगर आपकी टांगों के पिछले हिस्सों पर ब्लू या पर्पल रंग की वेन्स का गुच्छा सा पाया जाता है तो इसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कदीर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोज वेन्स क्या हैं, क्यों होती हैं और कौन सी एक्सरसाइजेज, कौन सी वर्जिशें इसको ठीक करने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, हमारा दिल, हमारा ब्लड, वेंस और आर्टरीज। आर्टरीज का काम ये होता है कि वो साफ ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे दिल से हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचाता है, और वेंस का काम ये होता है वो हमारे इस्तेमाल शुदा यानी गंदे ब्लड को, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हमारे दिल की तरफ लेके आती हैं। हमारी वेंस में वेल्व्स पाए जाते हैं। ये वेल्व्स जो ब्लड का बैक फ्लो होता है, ब्लड का जो वापस जाना होता है उससे बचाते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेन है तो यहाँ पे ये एक वेल्व लगा हुआ है जो क्या करता है, जब ब्लड ऊपर जाता है तो वो उसको नीचे आने से बचाता है। इसी तरह जब ब्लड जाएगा तो ये वेल्व ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, उन लोगों के वेल्व्स का डिसफंक्शन हो जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारी जो टांगों के निचले हिस्से के जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं काफ मसल्स। इन मसल्स में से वेन्स पास कर रही होती हैं जो हमारे डी ऑक्सीजनेटेड इस्तेमाल शुदा ब्लड को वापस हमारे दिल की तरफ लेके जाती हैं। तो जब ब्लड वेन्स में से पास कर रहा होता है, तो फॉर एग्जांपल ये वाले वेल्व से ब्लड पास करके इधर आ गया है और ये वाला जो वेल्व है ये ओपन नहीं है, ये क्लोज ही है, ठीक है, तो ब्लड इधर जमा होना शुरू हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वेन्स यहाँ से स्वेल होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ब्लड ने किसी तरीके से तो हार्ट की तरफ वापस जाना है, तो यहाँ से छोटी छोटी वेन्स, बाईपास वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो वेन्स आपको नजर आती हैं इनको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, वो लोग जो मोटे हैं और वो लोग जिनकी इनएक्टिविटी है, फिजिकली वो कोई वर्क नहीं करते। आपने अपनी एक लेग को बेंड कर लेना है और दूसरी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करके, सीधा करके, अपने पाँव को पीछे की तरफ करके इसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। यहाँ पे आप बिल्कुल इसके इक्वल ले आएँ और यहाँ पे 10 सेकेंड तक आप इसको रखें। उसके बाद इसको आप नीचे आने दें आहिस्ता आहिस्ता, और इसी तरह आप इस एक्सरसाइज को 10 दफ़ा एक साइड पे, ठीक है, और 10 दफ़ा फिर दूसरी साइड पे करें। दूसरी एक्सरसाइज में आपने एक थेराबैंड ले लेना है और इसको इस तरह अपने पाँव के गिर्द फोल्ड करके अपने हैंड्स के अंदर पकड़ लेना है, ठीक है, और अपनी टांग को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, और इस पोजीशन में आपने 10 से 15 सेकेंड लिए रखना है। फिर आपने आहिस्ता 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 इसको नीचे जाने देना है और फिर आहिस्ता 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 इसको रेज करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 दफ़ा करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, पाँव को इसी तरह थेरा बैंड के साथ रेज करना है, ऊपर की तरफ उठाना है, मगर इस बार आपने अपने पाँव को अगली तरफ जोर लगाना है, ऐसे जोर लगाना है, फिर ऐसा 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 पीछे लेके आना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऐसे ऊपर लेके आना है, फिर अगली तरफ जोर लगाना है, फिर पीछे ले जाना है, फिर अगले जोर लगाना है। तो इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 सेकंड के लिए कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें हमने जिस तरह हम बाईसाइकिल को चलाते हैं, अपने पाँव को इस तरह आपने सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे हरकत देनी है।
इस एक्सरसाइज को आप 20 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है स्क्वाट। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी जो नी है इसको एक जगह पे फिक्स रखना है और अपनी बैक को इस तरह नीचे लेके जाना है। ये आपने ऐसे स्क्वाट नहीं करना है, अपनी जो नी है आपने अपनी पाँव के बिल्कुल नीचे रखना है और इस तरह आपने स्क्वाट पोजीशन करनी है।